हाय स्टूडेंट, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल इंडस ब्रिंग्स एजुकेशन। एंड टुडे आज का जो टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगीज। यहाँ तक जो भी टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। ये स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, हम जानते हैं कि जो इजिप्ट है, पर्शिया है, इजिप्ट है, पर्शिया है, एंड जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे कुछ जो पावरफुल डायनेस्टी है उनका उनका राइज हो रहा था। ऑलराइट, तो उनका जब उनका राइज हो रहा था तो इससे क्या हुआ कि जो मराठास थे, मराठास के लिए वो एक काफ़ी एक ख़तरे की चीज़ थी, एक टर्बुलेंस की तरह इसने काम किया, और एज देयर इमीडिएट नेबर्स, क्योंकि जो मराठा है, मराठा बहुत ही उस तरफ पावरफुल थे, तो उनके जब उनको लगा कि उनसे भी ज़्यादा पावरफुल जो डायनेस्टीज़ है वो इमर्ज हो रही है, तो दैट रियली वर्कड एज अ टर्बुलेंस फॉर द मराठास। अब दो किंगडम का यूनियन हुआ, वो किंगडम थे स्पेन का किंगडम और पोर्चुगल का किंगडम, 1580 से 81 के बीच का ये टाइम है, जिसने जो छोटे जो किंगडम थे उनको ड्रैग कर दिया किस में, स्पेन की वॉर के साथ। स्पेन की वॉर चल रही थी इंग्लैंड के साथ, ठीक है, इंग्लैंड के साथ इसकी वॉर चल रही थी, तो जो किंगडम है, छोटे छोटे किंगडम, वो उस वॉर की तरफ ड्रैग हुए, एंड इंग्लैंड के साथ साथ हॉलैंड के साथ, हॉलैंड के साथ भी लड़ाई चल रही थी। इसने जो इंडियाज का जो पोर्टुगीज मोनोपोली है ट्रेड की, जो इंडिया की, जो इंडिया की जो और पोर्टुगीज़ की जो एक मोनोपोली थी ट्रेड की, उसको बहुत बैडली अफेक्ट किया इस वॉर में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, देखिए बाद का जो फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी किसकी, पोर्टुगीज़ की, पोर्टुगीज़ की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी बेस्ड ऑन द रिलीजन, इससे एक पॉलिटिकल फियर बना एंड डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, और कुछ ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी जो कि क्या थी, डिसऑनेस्ट नहीं थी। वहाँ पे बिल्कुल भी लॉयल्टी कोई चीज़ नहीं थी, भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ऑलराइट, सो ये एक सी पायरेट्स की तरह यहाँ पे क्या हुआ, काम करने लगे। दे रियली लर्न सक्सेस एज अ सी पायरेट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिसऑनेस्ट जो प्रैक्टिसेस हुई थी ट्रेड में, ये इसकी वजह क्या थी, क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ था कि जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी पोर्टुगीज़ थी, उससे एक पॉलिटिकल फियर लोगों के दिमाग में, जहन में घर कर गया था। गोवा जो अभी भी पोर्टुगीज़ के हाथ में है, गोवा ने अपनी जो इम्पोर्टेंस थी उसकी वो लॉस कर दी थी, क्योंकि पोर्ट की तरह जब विजयनगर जो एम्पायर है उसका फॉल होता है, विजयनगर एम्पायर, तो गोवा की भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, जो मराठास होते हैं, मराठा जाते हैं गोवा को इन्वेड करते हैं, और 1683 की क्या है ये बात है, ठीक है, 1683 में ये जाते हैं उसको इन्वेड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि डच का और इंग्लिश जो कमर्शियल एम्बिशंस हैं, डच कंपनीज और इंग्लिश कंपनीज, उनका यहाँ पे राइज होता है। डाइवर्जन टू द वेस्ट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, इस कंट्री का क्या होता है, डिस्कवरी होती है ब्राज़ील की, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्ट की तरफ भी थोड़ा सा डाइवर्जन चला जाता है। पोर्टुगीज़ की सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, इससे इसने क्या मार्क किया, एमर्जेंस किसका, नेवल पावर का। पोर्टुगीज़ क्योंकि उनकी जो शिप थी पोर्टुगीज़ की, वो वर्ल्ड में बेस्ट शिप थी, तो इनके पास जो नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। पोर्टुगीज़ अपने साथ, अपने जो शिप्स हैं उनके साथ कैनन्स भी कैरी करते थे फॉर द सेफ्टी पर्पस, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो शिप्स है, शिप्स के ज़रिए ही पूरा जो कार्गो वगैरह है, पूरा सामान है वो ले लिया जाता था, और शिप्स को थोड़ा सा जो चोरी है उससे बचने के लिए या फिर डकैती से बचने के लिए वो अपने पास कैनन्स रखते थे सेफ्टी के लिए। पोर्टुगीज़
onshore significant military contribution was the system of drilling groups of infantry on the Spanish model introduced in 1630s. का मतलब ये कि पोर्टुगीज की जो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में, वो ये था कि उनकी जो इन्फेंट्री है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और स्पैनिश मॉडल पे वो काम करती थी, जो कि 1630 में इंट्रोड्यूस हुआ था. मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी, पोर्टुगीज़ जो है वो, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी तो ये सी की तरफ ज़्यादा क्या करते थे, डोमिनेट करते थे बिकॉज दे हैव द बेस्ट नेवल पावर, दे हैड द बेस्ट कैवलरी इन द वर्ल्ड. डच कहानी में आता है, 1596 की बात हो रही है. कॉर्नेलिस जो थे ये पहले डच मैन थे जो सुमात्रा और जो जावा है वहाँ पे पहुँचते हैं, सुमात्रा और बैंटम जो है 1596 में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम. डच के लोग आते हैं मसूलीपट्टनम में, अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो क्या कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं. किसमें? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डच ने पहली जो अपनी फैक्ट्री थी वो पाई थी किसमें, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में. 1605 की बात हो रही है. कैप्चर्ड नागापट्टनम नियर आंध्र प्रदेश. तो अब डच ने कैप्चर की थी नागापट्टनम, नागापट्टनम को कैप्चर कर लिया था. ये नागापट्टनम एक शहर है मद्रास चेन्नई में. तो ये डच ने जब इसको कैप्चर किया उस वक्त इसका जो कब्जा था वो पोर्टुगीज़ का था, एंड मेड देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया. और यहाँ पे आके हम कह सकते कि जो डच थे उन्होंने अपनी जो ज़्यादा जो अपनी सेटलमेंट्स है वो ज़्यादातर साउथ की तरफ किए, क्योंकि वजह ये थी कि साउथ में एक तो ये यहाँ पे आपका समुद्री इलाका बहुत था, तो जिससे ये लोग शिप को अपने दूसरी जो कंट्रीज थी वहाँ को ले जाना बहुत ज़्यादा इजी था, और हम कह सकते पोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी साउथ. डच एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी फैक्ट्रीज कोरोमंडल कोस्ट पे गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार. तो अपनी जो फैक्ट्रीज़ है वो कहाँ पे आते, गुजरात लेके आते, गुजरात में ये बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बंगाल में एंड बिहार में. 1609 में क्या होता है कि उन्होंने एक फैक्ट्री ओपन की प्यूलीकट में, जो कि मद्रास के नॉर्थ में था. साउथ में उनकी जो दूसरी जो प्रिंसिपल फैक्ट्रीज थी इंडिया में वो कहाँ पे थी, पहली फैक्ट्री सूरत में थी 1616 में, फिर बिमली पटम में थी 1641 में, फिर कराईकाल में थी 1645 में, चिंसुरा 1653, बरानगर, कासिम बाज़ार, ये मुर्शिदाबाद के पास वाला इलाका है, बालासोर, पटना, नागापट्टनम एंड कोचिन, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ जो है वो ये डच बना लेते हैं. ये यहाँ से क्या लेके जाते, देखिए इंडिया से इनका काम था कि इंडिगो को लेके जाना, जो यमुना वैली में उस वक्त उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और सेंट्रल इंडिया में. ठीक है, यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में क्या होता था, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती थी सेंट्रल इंडिया में. इंडिगो लेके जाते थे, एक तरह की डाई होती है ये इंडिगो, उसको लेके जाते थे. एंड यहाँ से टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह भी लेके जाते थे, सिल्क बंगाल से, बेसिकली बंगाल में सिल्क बनता था, गुजरात में, और जो कोरोमंडल है सेल्ट पीटर कहाँ पे, बिहार में, वहाँ से. और ओपलम और राइस कहाँ पे लेके जाते थे, गंगा वैली से. राइस हो गया आपका चावल और आपका ओपलम हो गया, सॉरी इट्स नॉट एन ओपलम, इट्स ओपियम. ओपियम जो एक ड्रग होता है, राइट, ये एक ड्रग है ओपियम. एंग्लो डच की राइवलरी कैसे शुरू होती है ये हम पढ़ेंगे. इससे क्या हुआ कि इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया किसको, जो जिनका कमर्शियल इंटरेस्ट था, किसका, डच का और इंग्लिश का, क्योंकि इन दोनों का जो इंडिया में आने का जो मकसद था वो यही था कि ये यहाँ से ज़्यादा इनको ट्रेड बेनिफिट मिल सके. लेकिन क्योंकि यहाँ पे डच भी थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके फ्रेंच भी थे एंड इंग्लिश भी थे, राइट,
तो इनको इनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं एक दूसरी कंट्री वो चैलेंज इम्पोज कर रही है। क्लाइमेक्स जो था एनमिटी का डच और इंग्लिश के बीच में वो ईस्ट में था, वॉज रीच्ड एट अम्बोयना। ये एक प्लेस है प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में जहाँ पे डच ने इसको कैप्चर कर लिया था। किससे? पोर्टुगीज से। डच ने इसको पोर्टुगीज से कैप्चर कर लिया था 1605 में। फिर जब डच इसको कैप्चर करते हैं पोर्टुगीज से, तो ये बहुत सारे जो इंग्लिश मैन हैं लगभग 9-10 के आसपास उनको मार देते हैं, और इसमें 9 जो जापानीज हैं उनका भी मृत्यु होती है। 1667 में क्या होता है, डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड मूव टू इंडोनेशिया। डच क्या है कि वो इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे जो ट्रेड है उसको मोनोपोलाइज कर लेते हैं। ट्रेड किस में? जैसे ब्लैक पेपर, काले मिर्च और स्पाइसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडियन कॉमोडिटीज़ थी जिसमें डच ट्रेड करती थी वो कौन सी थी? जैसे सिल्क हो गया आपका, कॉटन हो गया, इंडिगो, राइस एंड ओपियम, इसमें ये ट्रेड करते थे। जब इंग्लिश और डच की एक राइवलरी होती है, तो उसके बाद इनकी 1814 AD में एक ट्रीटी भी होती है, जिसमें क्या हुआ कि जो कोरोमंडल है उसका रिस्टोरेशन हो जाए। किसको? किसका? कोरोमंडल का। एंड डच बंगाल, रिस्टोरेशन ऑफ डच कोरोमंडल एंड डच बंगाल टू डच रूल। जो कोरोमंडल था और बंगाल था वो डच को दे दिया जाता है, बट दे वर रिटर्न टू ब्रिटिश रूल्स एज ए रिजल्ट ऑफ द क्लोज एंड प्रोविजंस ऑफ द एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824। लेकिन फिर क्या होता है कि ये वापस किसके पास चले जाते हैं? ब्रिटिश के पास चले जाते हैं जब एंग्लो डच ट्रीटी होती है दोबारा से 1824 में। ओके, विच रिक्वायर द डच टू इंश्योर ऑल प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर्स अंटिल मार्च 1, 1825 AD। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये रिक्वायर करता है डच को कि सारी जो प्रॉपर्टी है और जो सारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाए 1825 1 मार्च तक। एज अ रिजल्ट जब 1825 AD का मिडिल होता है, तो डच सारी अपनी जो कमर्शियल साइट्स है वो लॉस कर जाते हैं। ऑब्वियस हैपन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ 1667 में। 1667 AD में क्या होता है, जितनी भी सारी पार्टीज़ है वो रीच करती है और एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो ब्रिटिश कमिट करते हैं टू विदड्रॉइंग फुल्ली फ्रॉम इंडोनेशिया, टू विदड्रॉइंग फुल्ली फ्रॉम इंडोनेशिया इन एक्सचेंज फॉर द डच। ब्रिटिश कहते हैं कि हम इंडोनेशिया से विड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहें डच तो वो डच को वो जगह दे दी जाती है कि आप यहाँ पे ट्रेड करो इंडोनेशिया में। तो ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला था कि आप हमें ये दे दो, हम आपको ये दे देंगे। डच का डिक्लाइन होता है इंडिया में, तो डच गो ड्रोन इनटू द ट्रेड ऑफ द मलाय आर्किपेलागो। थर्ड एंग्लो डच वॉर होती है 1672 से 74 के बीच में। तो जो लिंक होता है इसके बीच में सूरत के और नई इंग्लिश टाउन जो होता है बॉम्बे बॉम्बे का, वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट होते हैं, जिससे रिजल्टिंग इन द डच फोर्सेस कैप्चरिंग 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स। तो इसमें क्या होता है कि ये किस में होता है, रिजल्टिंग इन द डच फोर्सेस कैप्चरिंग 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स इन द बे ऑफ बंगाल। 3 इंग्लिश शिप्स हैं उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है बे ऑफ बंगाल में। इंग्लिश रिटेलिएशन रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ डच। इंग्लिश को गुस्सा आता है, डिफीट हो जाती है डच की। हुगली की लड़ाई जब होती है नवंबर 1759 में, तो यहाँ पे क्या होता है कि डच का जो एम्बिशंस है इंडिया में आने का वो ख़त्म हो जाता है। उनका दोनों का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि ट्रेड करना है इंडिया में। कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन द स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड में कमर्शियल इंटरेस्ट उनका रहता है। बेदारा की बैटल होती है 1759 में, जिसमें इंग्लिश फिर से एक बार और डच को शिकस्त दे देते हैं। इंग्लिश 1599 की बात करते हैं,
इंग्लिश का आता है। तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।